आपको सब दिखाया हमने, अब आपको ये जो पीछे किला दिखला है ये छोटा सा, ये मतलब जैसे मिनी हाउस नहीं बोलते, मिनी हाउस नहीं बोलते, मिनी हाउस उस टाइप में है ये। और पहले बहुत बड़ा था, पूरा एरिया में फैला हुआ था। क्या था? बहुत बड़ा किला था, मतलब देखो ना वहाँ तक पूरी बाउंड्री बनी हुई, वहाँ भी अभी बने हुए हैं कमरे बने हुए। अच्छा देखो क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, कहते हैं कम से कम 2000 साल पुराना। ये देखिए पुरानी तोपे, यही लेके पाकिस्तान में घुस जाऊंगा मैं। ये छोटा है, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, वो उस कोने से इस कोने तक है पूरा, और सब तोड़ता दिए हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ पर श्री राजा धीराज, यहाँ पर क्या है देखते हैं। चप्पल के नीचे कोई सा मंदिर दिख रहा है। ये किला कितने साल पुराना है? पूरा किला आपको करीब 2000 वर्ष लगभग समथिंग पुराना है। अच्छा, जो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम बता पाएंगे? अब तक की जो बघेलखंड है, रीवा एक बघेलखंड है, क्षत्रियों का राज्य है, और 36 पीढ़ी जो बघेलखंड का वंशावली है। अच्छा, 36 राजाओं का राज्य हो चुका है। लास्ट राजा हमारे माननीय महाराजा प्रताप सिंह जी जूदेव, और हमारे माननीय युवराज दिवराज सिंह जी हैं, तो अब उनकी 36वीं पीढ़ी चल रही है। 36वीं पीढ़ी है जी। मतलब ये किला तो बिल्कुल बहुत बढ़िया किला है। हम लोग मतलब मैं इंदौर रहता हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं हम लोग यही घूमने आए थे इस किले में। देखिए हमारे जो टूरिस्ट हैं, हाँ, वो बहुत दूर दूर से आते हैं। खजुराहो से टूरिस्ट आते हैं, पन्ना से आते हैं, खजुराहो से आते हैं, बहुत काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंदिर जो अपने बता देना। हेलो गाइस, तो आज हम आए थे राजा किला में, जो को संगम है, तो अंकल जी द्वारा उन्होंने बताया, तो हम जाके देखते हैं। अंकल जी, अंकल आए, अरे पैसे तो दिखा रहे दिख गए, यही चलते हैं। ये दो नदियों का संगम, एक नदी वो है, एक किनारा ये है, दोनों का संगम एक साथ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है। ये जो मंदिर आप देख सकते हैं गाइस, ये महामृत्युंजय मंदिर है ये वाला, और मतलब विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पहला मंदिर है जो रीवा स्थान पर पाया गया है। और जो यहाँ के जो भगवान जी भोलेनाथ जी हैं, उनके समथिंग 1000 नेत्र हैं। मतलब अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। हम ट्राई करेंगे अगर अंदर से हो जाता तो फ़ोटो खींच के आपको दिखा सकें। ठीक।